फ्रेंड्स, हमारी सरकार मानती है कि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में कई बार हमें कंपनियों की असफलता को, उनके फेलियर्स को भी स्वीकार करना पड़ता है। सारी असफलताएं किसी आर्थिक अपराध की वजह से हो, ऐसा हर बार नहीं होता है। मैं एक सज्जन को गुजरात में जानता था, बेटा उनका अमेरिका में पढ़ता था, बेटा वापिस आएगा उसको ध्यान में रख करके उन्होंने बहुत बड़ा प्लान किया एक्सपांशन का, बैंकों से पैसे लिए, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। बेटा अमेरिका से लौटा और कुछ समय में अचानक कार एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। इकलौता बेटा, इतना बड़ा सपना, इतना बड़ा बैंक से लोन लिया था बड़ा, अब मुझे बताइए कि उसका फेलियर, अब बेटा रहा नहीं, वो कैसे करेगा? क्या ये फ्रॉड माना जाएगा क्या? क्या इसके लिए उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा क्या? मैं ऐसी चीजों से सहमत नहीं हूं। और इसलिए असफलता उसी को अगर अपराध मान लेंगे तब तो देश कभी चुनौतियों का सामना करने का समाज ही तैयार नहीं कर सकता है। और दुनिया वही चला सकते हैं, देश को वही आगे बढ़ा सकते हैं जिनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। खिड़की खोलू कि नहीं खोलू, ठंडी हवा आ जाएगी तो क्या होगा, वो क्या करेगा? और इसलिए कंपनियों को, कंपनियों चलाने वालों को एक बेहतर एग्जिट रूट मिले, इस और भी सरकार ने ध्यान दिया है। आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आज ऐसी अनेक कंपनियों का मददगार बन रहा है जो किसी वजह से फेलियर का सामना कर रही है। ये सरकार की तरफ उद्योग जगत की एक तरह से हैंड होल्डिंग प्रयास है ताकि ऐसी कंपनियां अपने अनुभवों से सीख सके, भविष्य में कुछ और अच्छा कर सके, उनको अवसर मिलना चाहिए। साथियों, जितने भी फैसले मैं आपके सामने रख रहा हूं वो उद्योग जगत को, उसकी पूंजी को सेफगार्ड करने में बहुत मदद करने वाले हैं। मैं आज एसोचैम के इस मंच से देश की बैंकिंग से जुड़े लोगों को, कॉरपोरेट जगत के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब जो पुरानी कमजोरियां थी उस पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। और इसलिए खुल करके फैसले लें, खुल करके निवेश करें, खुल करके खर्च करें और आगे बढ़ें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सही निर्णयों पर, जेन्युइन कॉमर्शियल डिसीजन पर कोई अनुचित कार्रवाई नहीं होगी।